के समय में रासुल साहब आज हमारे बीच मौजूद है। आप सिर्फ कंगन आर हेयर टू बूस्ट अस एंड थ्रू फ्री रजिस्ट्रेशन के थ्रू पार्टिसिपेट किया और अलग या वॉशरूम जाने को नहीं अलाउड किया जाएगा। आप देखें और कमरुद्दीन साहब जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं लोग, मैं उनको इस स्टेज से वार्न करता हूं, इससे बाज रहे क्योंकि इससे आपकी जिंदगी पे भी बुरा असर पड़ता है, आपके पेरेंट्स पे बुरा असर पड़ेगा, आपकी सोसाइटी में। और यही ड्राइंग आपने बनाई है तो बात करता हूँ आपको, सभी को मुबारक। फर्स्ट कौन आएगा कौन नहीं आएगा, मगर इस कंपटीशन में किसी भी कंपटीशन में हिस्सा लेना बड़ी बात होती है। यहाँ पर जरियो साहब है, सरपंच साहब ने बहुत बातें यहाँ पर की है। कौशल गवर्नमेंट तो पसंद क्या है वनिस्तान ये वन आव सब उर्दू तो इंग्लिश मो पितर आोल आबब आमो क्या सिगरेट चवान अहम कत वन तुम सारे बच्चन से जम सा तुम घर मज नफर असरात हैं उससे हमें नजात कैसे मिले, तो हम इस मंशियात की लत में जो पड़े हैं उनको कैसे इससे छुटकारा दिलाए। कीमती टाइम निकाल के हमारे पास आए, ठीक। और मैं अपने स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, अपने टीचर्स को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने फुल सपोर्ट दिया और हमने प्रोग्राम कर दिखाया, ठीक है। और मेरा एट लास्ट जडियो साहब के लिए ये रहेगा कि वो हमेशा हमें गाइड करते रहे आगे ऐसे प्रोग्राम्स के लिए, और बाकी जो भी प्रोग्राम्स उनके अंडर आते हैं उनके लिए हमें गाइड करते रहे। मेरा नाम जहरा नजीर है और मैं आलमदार पब्लिक स्कूल वसन कांगन से हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये लोग नशा करते हैं, जो ये सिगरेट की डब्बी होती है उस पर लिख कर होता है और बना कर भी होता है कि ये बीमारियाँ हो जाती है, कैंसर और भी बहुत बहुत बीमारियाँ, फिर भी लोग इसके पीछे दौड़ते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कभी भी सिगरेट के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए क्योंकि ये एक नशा है। नाम शाहिद नबीरात है, मैं चेयरमैन आलमदार पब्लिक स्कूल वसन कांगन। आज 27th of November 2022 संडे, आज हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था हमारी मैनेजमेंट आलमदार पब्लिक स्कूल ने, तो जिस प्रोग्राम का मकसद था ड्रग एडिक्शन, उसमें से कंगन जून के हमने ओपन, जिसका नाम हमने रखा था ओपन ड्राइंग कंपटीशन, जिसमें कंगन जून के सारे बच्चे और हमारे स्कूल के भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। जो तो हमारा मैसेज ये रहेगा हमारी स्कूल की तरफ से और हमारे स्कूल के बच्चों की तरफ से और हमारे स्टाफ की तरफ से और हमारे मैनेजमेंट की तरफ से कि जो ड्रग में मुब्तला है, तो उस वजह से एक प्रोग्राम था हमारा उसके लिए कि ताकि हम उसको कैसे रोको। ये एक छोटा सा इनिशिएटिव था फ्रॉम आलमदार पब्लिक स्कूल, तो भी स्कूल आलमदार पब्लिक स्कूल आगे ये प्रोग्राम करते रहेंगे ड्रग एडिक्शन पे इंशाल्लाह। हमारा तो आज इनिशिएटिव था और आगे भी ये प्रोग्राम होते रहेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर ये आलमदार पब्लिक स्कूल हुसन का है, इन्होंने एक कंपटीशन रखा था यहाँ पर ये ड्राइंग का। असल में मोटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शन थी, यहाँ पर ड्रग्स फ्री होना चाहिए पूरी ये जो जे एंड के यूटी है, इसमें एक इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था। अगर हर स्कूल में इन्होंने ये प्रोग्राम चलाया है कि यहाँ पर नशा मुक्त भारत होना चाहिए, इसी मद्नज़र रखे यहाँ पर ये चेयरमैन साहब ने एक प्रोग्राम यहाँ पर किया था कंपटीशन। यहाँ पर 250 बच्चों ने हिस्सा लिया और इन्होंने प्राइज़ भी डिस्ट्रीब्यूट किया। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, ये होने चाहिए आइंदा भी हर स्कूल में होने चाहिए ये, और ये हमारी सोसाइटी के मैसेज जाती है हर किसी को मैसेज आती है कि हमें जो है ना ड्रग्स के जो यूथ हमारी ड्रग्स की तरफ ज़्यादा ये हो रही है, उनको बचाना है हमें और इसे मुक्त करना है।